नाउम्मीदी तब होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका भी होती है वो बचाने का प्रयास करती है। स्टॉक मैनेजमेंट के बिना कोई ट्रेडिंग कंपनी चलती है क्या? ये चल रही है 70 साल से, यहाँ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये काम हालांकि चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई लोगों के हितों पर प्रहार पड़ेगा और कई लोगों को काम भी करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक उलट ये कॉरपोरेशन है जहां पर सब कुछ नॉन आईटी फॉर्मेट में होता है। वही एक उत्साह बढ़ाने वाले हमारे लिए कैरेक्टर हैं, बाकी लोग तो थोड़ा शिथिल हैं। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता वो सिस्टम को मैनुअल रखना चाहता है और इतना बोलना पर्याप्त है, तो देखकर दुख होता है उतनी रफ्तार से सुधार शायद मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, अभी तो मैं चाहता हूँ मेरा इस्तेमाल हो। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हितेश वाजपेयी जी इंडिया फर्स्ट के साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। कई सवाल है जो उनसे पूछे जाने हैं, खासतौर पर हितेश जी पूछेंगे कि अनाज है, हर साल खबर आती है कि सैकड़ों मैट्रिक टन जो अनाज है वो सड़ जाता है, कैसे रोका नहीं जा सकता? देखिए, हमारा बस चले तो हम तो एक महीने में कर दें, लेकिन चूंकि ये वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का सवाल है तो आपको जाकर उनसे पूछना होगा कि वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन समय पर कई बार अनुबंध तक नहीं कर पाता है, इस वजह से वेयर हाउसिंग नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को और चुस्त दुरुस्त होने की आवश्यकता है। आपको लगता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं? वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को जिस तरह से जिम्मेदार होना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए, जितने चुस्त दुरुस्त मुख्यमंत्री जी हैं मुझे लगता है उससे बेहतर मानक मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। कम से कम उनके आसपास तो हर कॉरपोरेशन को आना चाहिए चुस्ती में, तभी कदम ताल हो पाएगी। आप बेबाक प्रवक्ता भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कई मोर्चों पे आपने संभाला है, अपनी पार्टी को ऊपर भी उठाया है, लेकिन जो सबसे पहले अगर कहा जाए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग थे उन तक जो बेकार गेहूँ जिसमें मिट्टी की डली थी वो गेहूँ गया, वो आपके विभाग कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा है? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें हमने तत्काल जांच की थी, लगभग 50-60-100 बोरों में 20-20 किलो तक मिट्टी निकल के आई थी, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं हमारी जांच में भी आया था कि स्थानीय स्तर पर जो तत्कालीन जिला प्रबंधक हैं और जो यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टर था द्वार प्रदाय का, उनकी सांठगांठ भी ये निकल कर जाँच में आई थी। बस नाउम्मीदी तब होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यपालिका भी होती है वो बचाने का प्रयास करती है। मुझे लगता है जो जहाँ नहीं बचाना चाहिए वहाँ अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासनिक अमले को शासन ने एक बार निर्णय ले लिया, मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो गई, उसके बाद कार्रवाई प्रशासन को करनी होती है। तो प्रशासन को भी और मजबूती से ये देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए आगे आना चाहिए, और जो भी इसमें संलिप्त हो उसका ना धर्म होता है, ना जाति होती, ना दल होता है, उसे बाहर करना चाहिए। जकड़न सी महसूस कर रहा हूँ मैं अभी आपसे बात करते हुए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं काफी बेबाक रहे हैं, कुछ करने का जज्बा भी रहा है, तो आपको कुछ नहीं लग रहा कि कुछ कमी ऐसा महसूस कर पा रहा हूँ मैं कि कुछ चीज आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है? शायद हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति बहुत सारे काम करना चाहता है। और मैं चूंकि आप लोगों के बीच ज़्यादा रहा हूं तो मैं एक आईटी डिजिटल फ्रेम का आदमी हूं और ह्यूमन इंटरफेस को कम करना भ्रष्टाचार निर्मूलन का एक बड़ा तरीका मानता हूं। और इसके ठीक उलट ये कॉरपोरेशन है जहां पर सब कुछ नॉन आईटी फॉर्मेट में होता है, तो स्वाभाविक है कि जहां पर 100% ह्यूमन इंटरफेस है वहां पर गलतियों की संभावनाएँ, त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो देखकर दुख होता है, उतनी रफ्तार से सुधार शायद मैं नहीं कर पा रहा। तो जब डिलीवरी चालान्स और एक्चुअल मूवमेंट फिजिकल जो ट्रकों से हो रहा है ये दोनों डिजिटल हो जाएंगे और इनकी ट्रैकिंग हो जाएगी, उस दिन आपको कभी स्कैंडल और स्कैम देखने को नहीं मिलेंगे इस कॉरपोरेशन में, या अनियमितताएं नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये काम हालांकि चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कई लोगों के हितों पर प्रहार पड़ेगा और कई लोगों को काम भी करना शुरू करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि दिशा ठीक है, हम इसको कब कर पाते हैं ये वक्त बताएगा।
कि इसी वजह से जिनके हितों पे कुठाराघात हो सकता है इसकी वजह से इतना डिले हुआ है? आपने तो हाल ही में खैर ये पदभार ग्रहण किया है, 70 साल का पुराना लगभग कॉर्पोरेशन। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होता वो सिस्टम को मैनुअल रखना चाहता है, और इतना बोलना पर्याप्त है। और हमारी चुनौती वही लोग हैं जो इसको मैनुअल रखना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक खुशी की बात जो मैं आपसे शेयर कर दूं आज, जो मैंने अभी तक नहीं की है, कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ये प्रस्ताव दिया तो शिवराज जी ने 10 सेकंड में मेरे तीनों प्रस्तावों पर टिक, न केवल टिक लगाए, संबंधित उनके जो पीएस थे उनको तुरंत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसको तुरंत करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम होशंगाबाद जिले में दोनों चीज़ें आपको करके बताएंगे। तो वही एक उत्साह बढ़ाने वाले हमारे लिए कैरेक्टर हैं, बाकी लोग तो थोड़ा शिथिल हैं।